अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख, अभी हमारे साथ मौजूद है, कुछ ही टाइम पहले हमने एक इंटरव्यू डाला था सर का ट्रिपल तलाक इशू पे, फिरोज़ मीठीपुर वाला सर से पूरी जानकारी ली थी ट्रिपल तलाक को लेकर के। फिर से हम दूसरी जानकारी लेने पहुँचे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे जो मुसलमान जो उलमाए थे वो मुस्लिम रिजर्वेशन मांग रहे थे 5%, इसके लिए एहतजाज भी किया गया। हम सर से पूरी जानकारी लेने आए। सर, कैसे ये रिजर्वेशन मांग रहे थे और अभी क्या स्थिति है इसकी? बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। इसमें और जो मुद्दे आते हैं कि अगर धर्म के आधार पर नहीं मिलता तो जो दलित मुस्लिम हैं उनको जो आरक्षण से वंचित रखा है, पहले तो दलित मुसलमान जो है उनको वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में उनको वापस लेना चाहिए, वो पहली डिमांड है। दूसरी बात है कि जो ऑलरेडी ओबीसी में जो मुसलमान शामिल है वो किस प्रकार से ओबीसी मुसलमानों को ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में 27% में ज़्यादा मिले आरक्षण, और उनके लिए कोटा विद इन कोटा हो, वो भी एक बात सोची जा सकती है। तीसरा जो फॉर्मूला है कि जैसे कर्नाटक में मुस्लिम समाज का पूरा एक स्टडी हुआ, वो स्टडी के बाद 90% मुसलमानों को उस कोटा में इंक्लूड किया गया, और एक 5% अलग से आरक्षण कर्नाटका में है। तो तीन अलग किस्म के मॉडल है हमारे सामने जहाँ मुसलमानों को आरक्षण का फायदा मिल सकता है। और चौथी बात है कि जो सच्चर कमेटी और जो रंगनाथ कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका जो अमल है, उसका जो एक संघर्ष देश में मुसलमान कर रहा है, वो एक चौथा पाया है एम्पावरमेंट का। ओके, मगर बेसिकली चूंकि संविधान ये बात बोलता है कि आरक्षण सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के हिसाब से बोलता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ऊपर नहीं मिलता है। मगर अभी जो मोदी सरकार ने 10% इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मॉडल निकाला है, उसमें भी मुसलमान का एक स्टेक बनता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर, तो वो भी एक दरवाज़ा आरक्षण का खुला है। एक अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो 49% है शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट और ओबीसी कोटा, जिसमें ऑलरेडी मुसलमानों के एक अधिकार है, 10% में भी मतलब 60% जो भी आरक्षण का फिगर है उसमें हम लोग कवर्ड है। और आखिरी बात, जैसे मैंने बोली कि कर्नाटक का एक मॉडल है जहाँ पूरे मुस्लिम समाज का एक स्टडी करवाया गया, वो कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो सोशल एजुकेशनली सेक्शन बैकवर्ड है मुसलमानों के, उनको अलग से 5% कोटा दिया गया। तो जो मराठा लोगों को 18% आरक्षण मिला है, मुसलमान के साथ क्यों ज्यादती हो गई? बात सही है, वो ज्यादती की बात है, क्योंकि मराठा एक पॉलिटिकली पावरफुल कम्युनिटी है, पटेल पॉलिटिकली पावरफुल कम्युनिटी है, जाट पॉलिटिकली पावरफुल कम्युनिटी है, तो जो संघर्ष करता है फाइनली उनको मिलता है। ओके, मगर पॉइंट ये कि हमारा संघर्ष ऐसा हो कि उसका एक सेक्युलर चेहरा हो और हमारे जो सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल डिमांड है वो बराबर से सामने आए, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे मुस्लिम आरक्षण की आप बात तो कर रहे हो, लेकिन अभी जो इसकी भी आड़ में राजनीति कर रहे हैं उनका क्या बोलना है, उनको बारे में क्या बोलना है? नहीं, राजनीति तो राजनीति होगी, सब चीज़ों पे राजनीति होती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें अपना फोकस रखना चाहिए कि मुस्लिम समाज का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम वो हमको कैसे मिले, ठीक है। और उसमें ज़रूरी भी है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे यूथ है, स्टूडेंट्स है, उनकी लीडरशिप कैसे सामने आए, कम्युनिटी में से सेक्युलर हमारे चेहरे कैसे सामने आए, क्योंकि जब तक सेक्युलर चेहरे हमारे सामने नहीं आएंगे, जो बैकवर्ड हमारी लीडरशिप थी उससे अभी ज़्यादा कुछ उम्मीद रखनी भी हमारी कमी रही। दलित आरक्षण नहीं मांग रहा, दलितों के पास ऑलरेडी है 15% है, सवाल यह है कि वो 15% अभी उनकी आबादी बढ़ी है, 17-18 हो गई, तो वो एक अलग मामला है, ठीक है। पॉइंट है कि आरक्षण एक आर्थिक सवाल नहीं है, आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। आरक्षण गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण जिन जिन समाजों को पिछले 5-6 साल से इस पावर स्ट्रक्चर से, शिक्षा से, कल्चर से, धर्म से, ये अलग अलग जो सत्ता है जिन जहाँ उनको बाहर रखा गया है, वहाँ आरक्षण की बात आई है। तो ब्राह्मण जब आरक्षण की बात करता है, ये जो 10% अभी मोदी ने दिया है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी को आरक्षण देना है तो पहले एक सोशो एजुकेशनल स्टडी होना चाहिए, उसका एक इकोनॉमिक स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ये 3 स्टेट में हार गए, तब वो अपर कास्ट वोटर को वापस लाने के लिए उन्होंने 10% कोटा तुरंत अनाउंस कर लिया, और क्योंकि अपर कास्ट वोट कोई खोना नहीं चाहता, इसलिए सब लोगों ने बोला कि ठीक है 10% दे दो। मगर कोई भी जब आरक्षण की बात आती है, अभी भी जो मराठा को मिला है, तो यहाँ की सरकार ने पहले कमीशन बिठाई, उसके पूरे एक स्टडी का एक मंडल भी, जब मंडल था क्या था, एक कमीशन था, और बाबा साहब ने बोला था कि दलित और शेड्यूल कास्ट को, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी मिल चुका है,
अभी ओबीसी को मिलना चाहिए, उनके टाइम से ओबीसी एक स्टडी हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात आई थी, तब जाके मंडल कमीशन बना। बार बार कांग्रेस की सरकारों ने उसको रोका और फाइनली जब वीपी सिंह की सरकार आई तब मंडल कमीशन लागू हुआ। ठीक है, अच्छा 2019 को लेकर के आपके क्या विचार है? इतने सारे मुद्दे हो गए, लगता है कि 2019 पार कर पाएगी? कौन पार कर पाएगी, कांग्रेस? नहीं, सवाल वो है 2019 का जो चुनाव है, ठीक है, जो जो वादे मोदी ने किए थे और पूरी वो देश बात जानता है कि वो सब पे वो कम पड़े। मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, ना सबका साथ हुआ ना सबका विकास हुआ है, कुछ खास परिवारों का विकास हुआ है। आज भारत का 1% जो हमारी वेल्थ है वो 1% जो हमारी जो एक्सट्रीम रिच है उनके हाथ में 73% हमारी संपत्ति उनके पास है। तो और कांग्रेस के दौर में भी 2014 तक जो 1% जो हमारे सबसे वेल्दी लोग हैं उनके हाथ में 56% हमारी वेल्थ थी। तो गरीबी और अमीरी की रेखा बढ़ती जा रही है, इसलिए आर्थिक नीतियों को लेकर गंभीर जो समस्या खड़ी हुई है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़े आंदोलन पिछले 2 साल में हुए वो किसानों के आंदोलन हुए, और उस पर जो सही राजनीति चल रही है कि जब तक किसानों को लेकर एक योजना नहीं बनाई जाएगी तो सुसाइड के रेट बढ़ते रहेंगे और गरीबी रूरल इंडिया में फैलती जाएगी। नोटबंदी ने बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान किया है हमारे किसानों को और रूरल इंडिया को। ऊपर से योगी मोदी सरकार का ये जो पूरा कैटल को लेकर जो आक्रमण हुआ है, जो आम किसान अपनी गाय भैंस को बेचकर अपनी बेटी की शादी कर सकता था, बेटी की शिक्षा कर सकता था, बेटी की शिक्षा कर सकता था, वो पूरे रूरल इकोनॉमी को बीजेपी आरएसएस ने डिस्ट्रॉय किया है। ये पूरा जो ब्राह्मण बनिया इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा ट्रेड वो लोगों ने छोटे किसानों और जो कुरेशी मुसलमान है उनके हाथ से निकालकर बड़े बड़े उद्योगपति में दे दिया है। ठीक है, तो किसानों पूरे रूरल इंडिया में जो एग्रेन क्राइसिस है, एक तो खुद एग्रेन क्राइसिस, ये कैटल ट्रेड का क्राइसिस, इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पे नीचे नुकसान हो रहा है। दूसरा है कि जो हिंदू खतरे में वाली जो बात है, असली बात है कि देश में 3 ही हिंदू है, एक तो अमित शाह मोदी वाले हैं, ये अडानी अंबानी है, और दूसरी गाय हिंदू है, बाकी का हिंदू भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। ओके, जो और आज ये परिस्थिति है कि दुनिया में जो भारत की जो बदनामी हुई है मोदी सरकार आने के बाद, इंडिया इज नोन एज ए लिबरल डेमोक्रेसी, एक सेकुलर कंट्री है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते जैसे परिवार में होते हैं, मगर ये आने के बाद जो एक घृणा और नफरत की राजनीति चली, एक डर की जो राजनीति चली, उसे भारत में और भारत दुनिया भर में इंडिया को एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि यह सरकार जाए, ये अच्छा है कि अलग अलग जो राजनीतिक सेकुलर पार्टीज है वो महागठबंधन करके 1-to-1 फाइट, सीट एडजस्टमेंट सब हो रहा है, मगर जनता की उस पर बड़ी जिम्मेदारी है कि जब ये लोग अपना महागठबंधन बना रहे हैं, मगर जनता की खुद की अपनी एक राजनीति रहेगी जहाँ हम लोग जनता की एक महागठबंधन बने, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बीजेपी आरएसएस के कैंड को हराए, ये हम पे ये जिम्मेदारी है। और भारत के का जो वोटर है बहुत ही पॉलिटिकली वो शार्प है, वो समझता है देश की राजनीति को, और आने वाले 2019 के चुनाव में मैं तो मानता हूँ कि मोदी हारेंगे और फिर से एक सेक्युलर सरकार आएगी। कैसे हारेंगे? आप जैसे बोल रहे हो मोदी सरकार हारेंगे, ईवीएम मशीन तो अब बोल रहे सब उनका ही है, हैकर ने खुद सामने आकर के कहा। नहीं, अभी 3 स्टेट में भी ये तो हारे हैं, ईवीएम मशीन का भी एक हद तक इस्तेमाल होता है, और हम लोग ने तो वैसे ईवीएम मशीन का भी विरोध किया है। अभी इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, जो हम लोग पूरा देख रहे हैं कि सभी यंत्रणा को मोदी और उसकी सरकार अमित शाह पूरा कंट्रोल कर रहे, वो आपत्ति तो है, मगर एक हद के आगे वो लोग इसको नहीं कर सकते। और अभी जो आया कि एटलीस्ट 50% वोट काउंट हो जाएंगे वीवीपैट, वैसे तो 100% हर वोट जो होता है उसका काउंटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये संघर्ष जरूर जारी है। जो पहले मोदी जो बहुत ताकतवर दिखते थे, बिना देखे भाषण देते थे, कल के भी पार्लियामेंट में देखा होगा कि वो बहुत ही फ्लस्टर्ड थे, वो नर्वस थे, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, पेपर देख रहे थे, ये वो पॉइंट फिगर वगैरह वगैरह, वो वाला मोदी नहीं रहा। और पिछले जो भी 5 चुनाव में जो खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हारे, उसके बाद तो काफ़ी स्पेस क्लियर है। बिहार, झारखंड, यूपी में तो सवाल ही नहीं आता, गुजरात, महाराष्ट्र में फिर भी बीजेपी का एक अपर हैंड मैं मानता हूँ, मगर लार्जली स्पीकिंग उत्तर नॉर्दर्न बेल्ट में तो बीजेपी का सफाया है, साउथ में तो कुछ है ही नहीं। तो अभी एग्जैक्टली देखना है कि क्या रिजल्ट आता है, मगर मेरा मानना है कि जो दिख रहा था कि मोदी 15 साल राज करेगा, वो भी 5 साल में कहानी एक्चुअली खत्म हो गई। अभी भी ईवीएम चालू है, लेकिन ईवीएम चालू है हम लोग मानते हैं, मगर ईवीएम इज नॉट द ओनली फैक्टर, ईवीएम को भी काउंटर हो सकता है।
अच्छा, तो आप उसकी मांग नहीं करते कि ईवीएम ये बार हम लोग का तो मांग है, हम लोग की तो कुछ अभी मीटिंग्स हुई थी कि ईवीएम खत्म किया जाए और बैलेट पेपर पे वापस लाया जाए, मगर ये सरकार में मुश्किल है ये होना। ओके, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बस भारत का अगले 2 महीने भारत के लिए बहुत ही गंभीर महीने रहेंगे, क्योंकि मोदी इतने आसानी से तो सत्ता छोड़ेगा नहीं। दंगे या उससे भयंकर कुछ कदम या बीजेपी को फायदा हो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भारत के सभी धर्म के लोग चौकन्ना रहे, एक दूसरे को साथ दे, एक दूसरे पर विश्वास करे और इस देश को बचाने के लिए साथ में काम करे और मोदी की सरकार को हटाए। फिरोज मिट्टीपुर वाला सर, आपने हमसे बात के लिए उसके हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।